नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ रूपिका कश्यप। गोरखपुर महानगर में 14 स्थानों पर 350 अस्थायी पटाखा दुकानें लगाई गईं। आपको बता दें कि सभी दुकानें खुले में बनाई गई हैं। दुकानदारों को अग्निशमन विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। सभी दुकानदारों ने अपने अपने सामने पानी के ड्रम, बालू और अग्निशमन यंत्र रखे हुए हैं। इस संबंध में पटाखा विक्रेता गौरव गुप्ता ने बताया कि उन्होंने धनतेरस से ही यहां पर पटाखा की दुकानें लगाई हैं, जो कि 3 दिनों के लिए लगाई गई है। इस बार घिरनी, चक्री, अनार, फुलझड़ी आदि पटाखे बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बड़ों के लिए भी कई तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। इस बार बिक्री ठीक है, लेकिन महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटाखा विक्रेताओं ने कहा, जावेद अहमद सर, जी कल से लगाए हुए भैया। किस किस तरह के पटाखे इस बार आए हैं? इस बार जो घिर्री है, चक्री है, अनार है, फुलझड़ी है, पपअप है बच्चों के लिए, माचिस बम है, ये जो पटकने वाले होते हैं थ्रो, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जी बहुत ज़्यादा, ये पपअप है, ये माचिस है, ये सब बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बड़ों के लिए क्या पसंद आ रहा? बड़ों में पाइप वाला है, आसमानी है, काफ़ी आइटम है, बिक्री हो रही है। ये हाँ बिक्री हो रही है, लेकिन उस हिसाब की नहीं है। लगता है कि पिछले साल में इस साल में क्या अंतर है? हमको महंगाई ज़्यादा बढ़ी दिख रही है और दुकानदारी कम दिख रही है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।